उत्तराखंड से मानसून लौट रहा है, लेकिन जाते जाते जमकर कहर बरसा रहा है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में गुरुवार से ही बारिश हो रही है। बारिश के चलते एक तस्वीर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से सामने आई, जहां पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर हाईवे पर जा गिरा। टनकपुर और अल्मोड़ा जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग इस वजह से पूरी तरह बंद हो गया। हाईवे बाधित होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक आज तड़के सुबह पिथौरागढ़ के घाट रोड पर दिल्ली बैंड के नजदीक पहाड़ी का एक हिस्सा दरक गया। हाईवे से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। मौके पर जेसीबी मशीन मलबा हटाने के काम में जुटी है। पहाड़ी दरकने से टनकपुर को जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जबकि अल्मोड़ा जाने वाले वाहनों को पुलिस प्रशासन थल बैरीनाग होते हुए भेज रहा है। फिलहाल पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने मलबा हटाने के लिए जेसीबी को तैनात किया है। यह बताया जा रहा है कि बारिश के चलते मलबा हटाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। पहाड़ी से भी लगातार मलबा गिर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर तक सड़क खुल सकती है। हाईवे के बंद हो जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।